गुड इवनिंग एवरीवन। और एक बार पुनः नए सेशन के साथ संविधान के अनुसार, और आज फिर कॉन्स्टिट्यूशन का एक विशेष टॉपिक लेकर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आज पुनः सेशन में आपके साथ मैं हूं ज्ञान प्रकाश, और मैं अन अकेडमिक प्लेटफॉर्म पर गया सिटी से, और हम लोग संविधान के ऊपर यूट्यूब सेशन के ऊपर देख रहे हैं। बहुत जल्दी आपको एक दो क्लास आपको इकोनॉमी अर्थशास्त्र का इकोनॉमी का आपको मिलेगा। मैं बहुत जल्दी एक दो क्लास आपको इकोनॉमी प्रवेश में लूँगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा। आज के दौर में बदलती अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, को देखने के लिए इकोनॉमी की भी बहुत ज़रूरत है, तो मैं उस पर भी क्लास में आऊँगा। और संविधान की, जैसा कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, और उन सभी चीज़ों पर हम लोग एक एक करके चर्चा कर रहे हैं, और जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से तमाम विषय वस्तु के अंतर्गत बहुत सारे संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है। उसी प्रकार एक टॉपिक है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। किस आर्टिकल में है, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या इनका फंक्शन है, क्या इनका लिमिटेशन है, हम उस पर चर्चा करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको राज्य में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, फिर अनुसूचित जाति जनजाति कमीशन, SC कमीशन एंड ST कमीशन, अब अदर वीकर सेक्शन कमीशन, और इसके जो फाइनेंस कमीशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अभी हम जिस टॉपिक को लेकर आज उपस्थित हो रहे हैं, वह टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके पहले हम लोगों ने 17 क्वेश्चन करके 34 क्वेश्चन देखा, और मैं 51 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन को लेकर आया था। इसके बाद 17 क्वेश्चन का एक और सेशन चलेगा, उसे हम लोग देखेंगे। तो हम शुरू आज करते हैं आपका टॉपिक लेके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है भारत का महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में चर्चा चलेंगे। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक अभी भी हमारा टॉपिक द यूनियन चल रहा है, और इसको संघ बोलते हैं, और इस संविधान के पार्ट 5 की चर्चा कर रहे हैं, संविधान के भाग 5, जिसमें आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं 52 से लेकर 151, और इस बीच में हम महान्यायवादी के रूप में पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 76, अनुच्छेद 76 में आपके संविधान के पार्ट 5 में है ना, जो कि 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल है, उसमें आर्टिकल नंबर 76 जो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर फोकस्ड है, उस पर चर्चा है। हम क्या पढ़ेंगे महान्यायवादी चैप्टर में, क्या 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 पढ़ना है? तो सबसे पहले महान्यायवादी को लेकर संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या विशेषताएं हैं, क्या लिखा हुआ, किस आर्टिकल में क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ कि हम महान्यायवादी की अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति कैसी हो जाती है। तीसरी चीज़ कि महान्यायवादी का कार्यकाल किस प्रकार होता है। चौथी चीज़ कि महान्यायवादी का अधिकार क्या होता है। और पांचवी चीज़ कि महान्यायवादी का पोस्ट है ना, इसका सोर्स, इसका ओरिजिन कहाँ से है, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कौन सा पोजीशन है। इन चारों पांचों के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर एक क्लास करेंगे कि महान्यायवादी को हटाया कैसे जाता है, पदमुक्ति कैसे की जाती है, और इनका टर्म और ऑफिस क्या होता है, इनका मतलब कार्यकाल किस प्रकार होता है। फिर इसके बाद एक टॉपिक इसमें और चर्चा करेंगे
भारत के महत्वपूर्ण अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महत्वपूर्ण महान्यायवादी कौन कौन है, और फिर उसके बाद लास्ट में महान्यायवादी से अभी तक विगत 50 सालों में पूछे गए प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे। तो इस प्रकार ये आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं कि महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है, एक लीगल वो अथॉरिटी है, एक संवैधानिक पोस्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। संवैधानिक पद उसे कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उसे कहते हैं जिसकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन के किसी न किसी आर्टिकल में है, उसे हम लोग संवैधानिक पद या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन या किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बातें लगाकर लिखते हैं। और कई बार पूछा जाता है कि ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। देखिए याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें तो हो सकती हैं लेकिन गैर कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें इंडिया में नहीं हो सकती। गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कोई अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि उसके लिए वर्ड हो जाता है कि संवैधानिक और संवैधानिकता। जो संविधान में लिखा हुआ वो संवैधानिक हो गया, और संवैधानिकता मतलब संविधान में उसकी चर्चा है नहीं लेकिन वो भारत के प्रशासनिक शासन के ढांचे के अंतर्गत वो सिस्टम है जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज किया जाता है। संविधान और संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशन और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और संवैधानिकता वर्ड यूज किया जाता है, नहीं कि संविधान और गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक कहना बहुत ही गलत है क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब हो गया कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो मतलब संविधान के खिलाफ है ना। तो इसलिए हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, और हिंदी में बोलेंगे संविधान और संवैधानिकता संस्थाएं। तो महान्यायवादी जो है संवैधानिक संस्था है, संवैधानिकता नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लगभग 2 क्लास का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से 2 क्लास मान के चलेगा, मैं देखता हूँ हो जाए तो नहीं तो 2 क्लास लग ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की चर्चा कहाँ है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की चर्चा संविधान के पार्ट 5 में, भाग 5 में है। विषय वस्तु कौन, द संघ या यूनियन, यूनियन के अंतर्गत इसे पढ़ना है, और वो आर्टिकल नंबर महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद नंबर 76 है, और आर्टिकल नंबर 76 में भी उसके क्लाउज हैं 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर याद करने की जरूरत है कि अनुच्छेद 76 में क्या लिखा हुआ है, कौन से क्लाउज में किस प्रकार से इनके बारे में लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो जो संविधान के जो धारा है, जो एक्ट है, जो आर्टिकल्स है, उसमें एज इट इज लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखा। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या लिखा हुआ है कि देयर द प्रेसिडेंट अनुच्छेद 76 में है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और वह सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के योग्यता रखता हो। लिखा द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अनुच्छेद 76 का 1 ये कहता है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 76 का फर्स्ट कहा कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति के रूप में वैसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के
जज नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, की योग्यता रखता हो। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन। अब देखिए यहां पर सीधे सीधे जो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या होता है, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर। तो राष्ट्रपति बहुत सारे पदों की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है। आर्टिकल नंबर 76 का क्लाउज 1, 76 का क्लाउज 1, 76 का आर्टिकल नंबर 76 का खंड 1 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अटॉर्नी जनरल, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड, जो व्यक्ति क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड, जो व्यक्ति योग्यता रखता हो, जो हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करेगा जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। ड्यूटी टू द अटॉर्नी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी नियुक्त होगा। तो क्लियर है आपको अनुच्छेद 76 का 1, आप कमेंट में लिखिए आर्टिकल मतलब 76 का क्लॉज 1, आप सब लोग लिखेंगे 76 का क्लॉज 1 कि 76 का खंड 1 कहता है कि राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, अब मैं यहां पर इसी जगह पर आपको मैं ले लेता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता रखता हो, तो ये वर्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता रखता हो, और इस तरह से अगर नहीं दिया रहे और अब आपको प्रश्न में रहे कि भारत के महान्यायवादी को नियुक्त होने की क्या क्या शर्तें हो सकती हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्त होने की क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने के लिए जो जो कंडीशन है, जो जो एलिजिबिलिटी है, वो सारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर इम्पोज हो जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त होने के लिए टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपको कम से कम हाई कोर्ट में 5 साल का जज होना चाहिए, हाई कोर्ट में आप 5 साल तक जज का काम कर चुके हों, अगर नहीं कर चुके हों तो इसी में, और या तो हाई कोर्ट में कम से कम आप 10 वर्ष तक की वकालत कर चुके हों, 10 वर्ष की आप वकालत कर चुके हों, 10 वर्ष की आप वकालत कर चुके हों, ठीक। या फिर या राष्ट्रपति के नजर में, या राष्ट्रपति के नजर में आप एक विधि विशेषज्ञ हो, राष्ट्रपति के नजर में आप एक विधि विशेषज्ञ हो, विधि विशेषज्ञ हो, राष्ट्रपति के नजर में आप विधि विशेषज्ञ हो, एन एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, एन एमिनेंट जूरिस्ट एट द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब राष्ट्रपति के नजर में एन एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो नागरिक होना चाहिए, अगर नागरिक है तो आप अगर 5 साल के जज भी हैं तो अटॉर्नी जनरल नियुक्त हो सकते हैं, या हाई कोर्ट में, या ये नहीं आप पूरा कर रहे हैं तो आप 10 साल हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हैं तो भी, या ये भी आप नहीं पूरा कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के नजर में आप एक प्रोमिनेंट एमिनेंट जूरिस्ट हो एट द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहां पर तो सीधे सीधे लिख दिया था सुप्रीम कोर्ट जज होने के नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, समझिए इस चीज को,
आर्टिकल्स में यह नहीं लिखा हुआ है, आर्टिकल्स में यह नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 76(1) में क्या लिखा हुआ है कि वह सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होने की जो व्यक्ति योग्यता रखता हो, है ना, उसी व्यक्ति को, उसी पर्सन को राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त करेगा। तो फिर यहाँ पर आपको जानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या है, जो जज की योग्यता है वही भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको क्या चाहिए, है ना, नागरिक की तो सब जगह है, आपको सुप्रीम कोर्ट जज तभी बन सकते हैं आप या तो हाई कोर्ट में 5 साल कंटिन्यू जज रहे हो या फिर आप 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में, डिफरेंट हाई कोर्ट में हो सकता है, आप एडवोकेट रह चुके हो, वकालत कर चुके हो, और तीसरा आप या तो बहुत बड़े विधि विशेषज्ञ हो, इस प्रकार से आप महान्यायवादी बन सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। जैसे देश के पहले महान्यायवादी MC शीतलवाड़ा, संभवतः जहां तक मुझे याद है वो सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं, हाई कोर्ट में जज नहीं थे, वो एक बहुत बड़े वकील थे, उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रखा गया, है ना। KK वेणुगोपाल वो भी एक कानून के विशेषज्ञ थे तो उनको बनाया गया। इस तरह से आर्टिकल नंबर 76 का क्लाउज 1 आपको मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। 76(1) यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति, अपॉइंटेड ऑफ द अटॉर्नी जनरल की चर्चा, नियुक्ति अपॉइंटमेंट की चर्चा आर्टिकल नंबर 76, लेकिन दिमाग लगाएगा कि अनुच्छेद 76 तो पहले नियुक्त करा लें, इसलिए 76 पहले किसी को बनाएंगे तभी ना चर्चा करेंगे, तो 76 का सबसे पहला क्लॉज कौन होगा, 1, तो 1 में पहले हम लोग अपॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अलग बातें करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल नंबर 76 को क्लॉज 1 में हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखा कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन, राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट, हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति टू बी अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वह व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त होगा। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक। अब हम देखते हैं क्लॉज 2। क्लॉज 2 क्या कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर व्हिच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल नंबर 76 का क्लॉज 2 है ना, अनुच्छेद 76 उसके कार्य के बारे में करता है, उसके ड्यूटी के बारे में करता है कि महान्यायवादी का कार्य क्या होगा। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्य क्या होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्य क्या होगा, ये आपको आर्टिकल नंबर 76 का क्लॉज 2 कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी का कार्य होगा। भारत के महान्यायवादी का क्या कार्य होगा, तो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, भारत के महान्यायवादी का कार्य होगा, है ना, कार्य होगा कि भारत सरकार को, भारत सरकार को उन विषयों पर विधिक सलाह देगा, उन विषयों पर विधिक सलाह देगा जो विषय प्रेसिडेंट के द्वारा महान्यायवादी को दिए जाएंगे। देखिए इसमें 2 क्लास लगेंगे, एक हम अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के ऊपर पढ़ रहे हैं, एक अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर पढ़ रहे हैं। ये आर्टिकल में फिर रिवीजन करूंगा और उसके बाद सीधे हम इनका प्योर फंक्शन, कार्य प्रणाली और समस्याएं और इनका जो इंटरप्रिटेशन है उस पर बहुत अच्छी आपको एक इंटीग्रेटेड
लेक्चर देंगे, लेकिन आप ये पहले समझ लीजिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है जिसमें बेयर एक्ट जिसको बोलते हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल के रूप में ओरिजिनली एकदम ओरिजिनल रूप से एकदम अक्षरशः उस संविधान की किताब में आर्टिकल नंबर 76 में कौन कौन से वर्ड लिखे हुए हैं महान्यायवादी के लिए, मैं वहां से सीधे पुट किया हूं बोर्ड पर। उसके बाद जो डिफरेंट किताबें हैं आप देखिएगा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें हैं इसी आर्टिकल्स को अपने लैंग्वेज में लिखा जाना है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं पहले आपको शुद्ध रूप से प्योरिटी के साथ 100% जो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो शब्द लिखे, ये शब्द है तो ये शब्द किसी बुक का नहीं है, ये शब्द देश के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है, उसको मैंने यहां लिखा। तो इट्स सेल्विडिटी ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल, यह भारत के महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा। इट्स सेल 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 लगाओ मतलब कंपलसरी है। इट्स सेल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टू गिव एडवाइस, भारत के महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह सलाह दे। टू गिव एडवाइस किसे? टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह सरकार को सलाह दे। किस पर सलाह दे? अपॉन किस पर सलाह दे? अपॉन सच लीगल मैटर्स, अपॉन सच लीगल मैटर, ऐसे विधिक विषयों पर। किस पर सलाह दे? तो ऐसे विधिक विषयों पर सलाह दे जो विषय विच कैन रेफर्ड, जो विषय दिए गए हैं, जो विषय विच कैन रेफर टू हिम, जो विषय उसे दिए गए, मतलब जो विषय महान्यायवादी को दिए गए हैं बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। तो महान्यायवादी को जो प्रधानमंत्री विषय नहीं देगा, वो सब्जेक्ट किसके थ्रू आएगा? हालांकि सब तो काम प्रधानमंत्री को करना है, लेकिन वो विषय प्रेसिडेंट के द्वारा रेफर्ड किया जाएगा, ये क्लियर है। बहुत लोग यह हमेशा पढ़ाते समय देते हैं कि महान्यायवादी प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है, सरकार का सलाहकार होता है, ठीक है, एडवाइजर होता है, एडवाइजरी का काम वो करता है, लेकिन वो विषय को कौन देता है? उस विषय को प्रेसिडेंट देता है। इट्स शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। ये अनुच्छेद, ये महान्यायवादी के कार्यों के बारे में कहां पर चर्चा है? तो महान्यायवादी के कार्यों के बारे में अनुच्छेद 76 के क्लॉज 2। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कहां है? 76 के 1। और महान्यायवादी के कार्यों की चर्चा कहां है? तो 76 के क्लॉज 2। अब देखिएगा, ये सब आपको क्लासेज मिल रही है, बहुत लोग इसी चीज को सस्वे में इसी तरह से लोग प्रश्न लेंगे, लेकिन आप समझिए कि आपको अवधारणा कितनी बेहतर है। आप उन अवधारणों के बारे में पढ़ें जो सीधे संविधान की किताब से, तो कभी प्रश्न गलत होगा, कभी नहीं गलत होगा, कभी दिमाग में कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा। अगर पूछे कि महान्यायवादी को विधिक सलाह देने के लिए भारत सरकार के लिए विषय कौन देता है, सब्जेक्ट कौन देता है, तो ऑप्शन मान लो प्राइम मिनिस्टर, बी रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सी रहेगा आपका कानून मंत्री, और डी रहेगा प्रेसिडेंट। आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। महान्यायवादी को भारत सरकार के सलाह देने के लिए जो विधिक मैटर है, जो लीगल मैटर है, उसको कौन प्रदान करता है? तो ए मंत्रिपरिषद, बी प्राइम मिनिस्टर, सी कानून मंत्री, डी प्रेसिडेंट। तो ये तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमारे जो संविधान के किताब में ये इसी ये लाइन लिखवा, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत का महान्यायवादी की ड्यूटी होगा। क्या होगा? क्या होगा महान्यायवादी की ड्यूटी? द इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी की ड्यूटी होगा, कर्तव्य क्या होगा? टू गिव देना, टू गिव एडवाइस, वह सलाह देना उसकी ड्यूटी होगा कि टू गिव एडवाइस टू द गवर्नर और टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के महान्यायवादी की ड्यूटी होगा कि भारत सरकार को सलाह दे अपॉन सच लीगल मैटर, ऐसे मैटर पर विच आर रेफर, जो कि प्रदान किए गए हैं महान्यायवादी को बाय द प्रेसिडेंट, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए गए। क्लियर है? थर्ड में आते हैं। तो पहला में अपॉइंटमेंट, 76 के क्लॉज 1 में क्या हो गया अपॉइंटमेंट, और 76 के क्लॉज 2 में क्या होगा उसका कार्य। तो महान्यायवादी की कार्य की चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? तो ये तो 76 तो होगा ही, लेकिन 76 का क्लॉज 2 ये थोड़ा सा अपर लेवल का है, एडवांस लेवल का है,
ये मत समझिए बीपीएससी से ऊपर लेवल का क्वेश्चन आपको करने में आएगा। जब आईएएस का प्रश्न देंगे तब आईएएस के प्रश्न में क्लॉज पूछा जाता है, बीपीएससी में तो आर्टिकल नंबर 76 से ही काम चल जाएगा। आइए हम लोग 76 का थर्ड कहते हैं, अब क्या कहता है, तो वन और टू मैंने हिंदी में भी लिख दिया। काल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार को उन विषयों पर विधिक सलाह देगा जो विषय प्रेसिडेंट के द्वारा महानिवादी को दिए जाएंगे। अब आइए हिंदी में और इंग्लिश में देखते हैं। थर्ड में 76 थर्ड क्या कहता है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। ये भी कार्य के बारे में, ये उसकी शक्ति है, ड्यूटी की बात की। अब महान्यायवादी की शक्ति क्या है, है ना, पावर या फंक्शन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी की ताकत क्या है, भारत के महान्यायवादी की शक्ति क्या है, फंक्शन क्या है, या कह सकते हैं पावर ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या कह सकते हैं फंक्शन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इन द व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के नजर में आर्टिकल नंबर 25 का क्लॉज थर्ड कहता है कि भारत का जो महान्यायवादी होगा भारतीय क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में वो सुनवाई कर सकता है, किसी भी न्यायालय में सरकार की मुकदमा लड़ सकता है। याद रखिए महान्यायवादी सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकता है, जब भी लड़ेगा तो सरकार के लिए लड़ेगा। तो अनुच्छेद 75 का 3 कहता है, उसके कार्यों के बारे में चर्चा है, उसके मतलब अधिकार के बारे में चर्चा है कि इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, वो अपने जो कार्य करेगा इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी द अटॉर्नी। देखिए सेंटेंस थोड़ा टफ है क्योंकि लीगल वर्ड है, लीगल सेंटेंस है, और ये आज नहीं लिखा गया, ये 26 जनवरी 1950 के पहले, ये 9 दिसंबर 1946 से लेकर संविधान लागू होने के 26 नवंबर 1949 के बीच में, 9 दिसंबर 1946 द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड बाई 9 दिसंबर 1946 एंड दिस टाइम हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन दिस टाइम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जस्ट एक दिन बाद 11 दिसंबर को है ना फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई, फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा की बैठक हुई, है ना, सेकेंड सिटिंग हुई 11 दिसंबर 1946, और उस समय सब मिलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस। तो वहाँ से लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की प्रक्रिया हुई और 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया एंड इनैक्ट किया एंड गिव टू आवर सेल्फ, हमने उसको अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और स्वयं को हमने प्रदान किया। तो इस प्रकार से ये जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वो 26 नवंबर 1949 के पहले लिखे हुए थे जब द यूनियन चैप्टर लिखा हुआ था। द यूनियन पावर कमिटी, संघ शक्ति संविधान में जब द यूनियन की बातें, केंद्र सरकार को जब ताकत और सत्ता देने की बात हुई थी तो उसके चेयरमैन थे द यूनियन पावर कमिटी और द यूनियन लेजिस्लेचर कमिटी के जो अध्यक्ष थे वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन चीज़ों को लिखने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान है। बहुत ज़्यादा लीगल इंटरप्रिटेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको लेकर किया था नेहरू जी के साथ, और ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का पद हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, इंग्लैंड के संविधान से लेकर आए थे। फिलहाल हम आर्टिकल पर फोकस करें और नेक्स्ट क्लास होगा जो इंटीग्रेटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में हम चर्चा करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उस क्लास को हमेशा ध्यान से देखिए, हो सकता है कब वीडियो डिलीट हो जाए, इसके आपकी गारंटी नहीं है, इसको आप लिख भी लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो कब हट जाए यूट्यूब से कौन जानता है। तो इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन द ऑल कोर्ट, ऑडियंस मतलब शामिल होना, वहाँ जाकर बैठक में शामिल होना। तो अपने कर्तव्य का पालन करने में, परफॉर्मेंस अपने कर्तव्य का पालन करने में अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार, शैल हैव राइट, यह अधिकार होगा शैल हैव कि वह भारत के किसी भी कोर्ट में ऑडियंस मतलब बैठ सकता है, सुनवाई में भाग ले सकता है, भारत के द टेरिटोरी ऑफ इंडिया ऑल कोर्ट इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर पाए गए सभी न्यायालयों में ऑडियंस मतलब जाके बैठ सकता है, सुनवाई में भाग ले सकता है, यह इसका कर्तव्य है। तो महान्यायवादी जो है कि तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारतीय क्षेत्र के अंदर सीधे सीधे, यहाँ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जितना कोर्ट है, जितना न्यायालय है, तो भारतीय
भारतीय क्षेत्र के अंदर, भारतीय क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले समस्त न्यायालय में, समस्त न्यायालय में वह भारत सरकार के मुकदमे की पैरवी के लिए है ना शामिल हो सकता है या बैठ सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर क्या है, 75(3). तो इस तरह से 75(3) है। और चौथा हम ले लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है, तो फिर इसको एक क्लास में और आज कल हम लोग कर लेंगे। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो महान्यायवादी है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और इसके लिए आप अगले क्लास तक इंतजार करिए। और दो क्लास का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।